ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आतंकवादी चाहे कहीं का हो, भारत के सुरक्षा बल उन आतंकियों को नाकू चने चबाने में माहिर हैं। जी हां, एक बार फिर से उत्तरी कश्मीर के सुपोर में मुठभेड़ जारी है, जहां सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शुक्रवार की सुबह इलाके में एक बार फिर गोलीबारी शुरू हुई। सुरक्षा बल सुपोर के सागीपोरा गांव में छिपे 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को खबर आई थी कि सुपोर के सागीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक अभियान शुरू किया है। सुपोर पुलिस और 22 राष्ट्रीय राइफल आरआर की एक जॉइंट टीम ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मुठभेड़ स्थल से हटा दिया था। सुरक्षा बलों को सुपोर के सागीपोरा गांव में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा जानकारी के आधार पर सेना इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी। गुरुवार शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गांव रक्षा समिति के 2 सदस्य गुरुवार सुबह से लापता हैं। सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वे सुबह से लापता हैं। उन्हें खोजने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने दावा किया है कि उन्होंने दोनों व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है और उनकी हत्या कर दी है। उनकी पहचान नजीर और कुलदीप के रूप में की गई है। अभी तक आधिकारिक तौर पर तलाश जारी है और दोनों के शव अभी तक नहीं मिले। बता दें कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर आतंकी घटनाएं फिर से तेजी से बढ़ गई, लेकिन भारतीय सेना ने आतंकियों के लिए एक साफ संदेश दे दिया है कि अब कोई भी आतंकी बच कर नहीं जाएगा। आतंकियों को सीमा पार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो उनका अंजाम वही होगा जिस तरह से 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना की इस सख्त नीति के चलते आतंकियों में दहशत फैल चुकी है। वे अब समझ चुके हैं कि भारतीय सेना का सामना करने का मतलब है सीधा मौत के दरवाजे पर खड़ा होना। हालांकि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसकी ये कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। भारतीय सेना ने उसकी साजिशों को बार बार ध्वस्त किया है। पाकिस्तानी सेना और वहां बैठे आतंकी आकाओं को ये समझ में नहीं आ रहा उनकी हर योजना क्यों असफल हो जा रही है। उनकी हताशा इस बात से साफ झलकती है कि वे बार बार नए आतंकियों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और सख्त कार्रवाई के चलते हर आतंकी अपनी खोपड़ी खुलवाकर ही लौटता है। खैर, अब जिस तरह से आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है, उसके बाद देखना तो ये होगा कि कैसे रोएंगे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और जो जहन्नुम में जा चुके हैं आतंकी। उनके लिए आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।